हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। हिमांशी खुराना बिग बॉस 13 में उन्होंने एंट्री ली थी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर, लेकिन जब से वो हुई बिग बॉस के घर में शामिल, तब से तो मानो हर कोई उनका दीवाना ही हो गया। जी हां, हिमांशी के फैंस की कोई भी कमी नहीं है और जब जब मिलता है हिमांशी को सबका दिल जीतने का मौका, वो हमेशा से तैयार रहती है। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि हिमांशी खुराना का रिलेशन स्टेटस क्या है। यूं तो हिमांशी खुराना ने बिग बॉस के घर में आते ही अपनी रिंग को लहरा दिया था, सबको दिखा दिया था और सबको लगने भी लगा था कि हिमांशी खुराना इंगेज्ड है। लेकिन आपको बता दें कि हिमांशी इंगेज्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ वो कमिटेड है। और इसकी जानकारी आपको हिमांशी खुराना बिग बॉस 13 के कल के एपिसोड में दे भी चुकी है। जी हाँ, आप जानती हैं कि हिमांशी खुराना और असिम रियाज की नजदीकियां इन दिनों बढ़ती नजर आ रही थी। आप ये भी जानते हैं कि असिम को जब जब मिलता है मौका, वो हिमांशी के साथ वक्त गुजारने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन जब असिम ने अपना हाले दिल बयां किया हिमांशी के सामने, तो हिमांशी भी खुद को रोक नहीं पाई, क्लियर कर दिया कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप में है। हिमांशी ने बता दिया कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिन्होंने उन्हें ये अंगूठी दी है और वो किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती है, वो अपने बॉयफ्रेंड से बेहद प्यार करती है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि हिमांशी अपने बॉयफ्रेंड को चाओ कहकर पुकारती है और बिग बॉस ने भी हिमांशी के इस बॉयफ्रेंड की एक हल्की सी झलक एक फोटो के जरिए दिखा दी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ही शख्स है हिमांशी खुराना का बॉयफ्रेंड। यूं तो पिछले दिनों खबरें थी कि हिमांशी खुराना की सगाई एमी विर्क के साथ हो चुकी है, लेकिन इन सभी खबरों का खंडन एमी विर्क के भाई ने भी कर दिया था और साथ ही साथ हिमांशी की खास दोस्त निधि ने भी इन सभी बातों को गलत बताया था। और अब खुद बिग बॉस ने हिमांशी खुराना के रिलेशनशिप पर मोहर लगा दी है और उनके बॉयफ्रेंड की झलक को भी दिखा दिया है। हिमांशी अपने बॉयफ्रेंड को चाओ कहकर पुकारती है। फिलहाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।